हेलो गाइस, वेलकम टू माय व्लॉग। आज हम जा रहे हैं कुकरुडू फेस्टिवल, जो कि हो रहा है मानव रचना लुधियाना में। तो हम फेस्टिवल के लिए पूरी तैयार हैं और हम पहुंच गए हैं मानव रचना। आर्शर इज़ टोटली एक्साइटेड और वो अंदर गया और उसने जो है वो स्टॉल्स को स्क्रॉल करना शुरू कर दिया कि कौन सा स्टॉल मेरे मतलब का है। तो आफ्टर मच स्क्रॉलिंग में पहुँचा अपने पापा के स्टॉल में, क्योंकि इस बार हर्बो वाइव ने भी एग्जीबिशन लगाई थी मानव रचना पे। तो क्विकली आप हर्बो वाइव का भी एक बार रिव्यू देख लीजिए, जो कि हर्बल प्रोडक्ट्स में डील करता है। एंड इट इज़ अ स्टार्टअप बाय द चितकारा यूनिवर्सिटी राजपुरा, और इसमें वाइड रेंज ऑफ हर्बल प्रोडक्ट्स हैं, हर्बल ऑयल्स हैं, हर्बल सोप्स हैं, बेबी प्रोडक्ट्स हैं। तो अगर आप हर्बल रेंज चाहते हैं जो कि बिल्कुल रिसर्च्ड हैं और प्योर हैं, देन यू कैन डेफिनेटली कॉल अस। द लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। मिल गया है बच्चों का फेवरेट क्लाउन शो। क्लाउन शो बच्चों का फेवरेट तो होता है, बट आशिफ ने इसको बहुत ज़्यादा इन्जॉय नहीं किया। वो अपना मस्त था और वो अपने पंचमुखी हनुमान जी के साथ बातें कर रहा था। आफ्टर देन ही अगेन स्क्रॉल कि कौन से स्टॉल में मेरे मतलब का कुछ है जो कि मैं इन्जॉय कर सकता हूँ। तो फाइनली उसको एक्टिविटी बॉक्स मिला और उसने वो एक्टिविटी करनी स्टार्ट कर दी। द एक्टिविटी वॉज सिंपली पुटिंग द बीड्स विद द हेल्प ऑफ टोंग्स। तो उसको उसने वो इन्जॉय करने के बाद कहता है कि मैंने नेकलेस बनाना है, तो बीड्स के साथ उसने एक नेकलेस बनाया और ये एक्टिविटी उसने काफ़ी इन्जॉय की और यहाँ से उसने क्ले भी ली थी अपने लिए। अब आता है नेक्स्ट इंटरेस्टिंग पार्ट, क्योंकि उसको बुक्स दिख गई हैं एंड ही कीप ऑन स्क्रॉलिंग ऑल द बुक्स। उसने सारी बुक्स पढ़ी हैं, वहीं पे बैठ के पढ़ी हैं, नहीं कोई नहीं, वहीं पे बैठ के उसने सारी बुक्स पढ़ी, उनको रीड किया। कम से कम उसने 1 to 1.5 hours इस एरिया में स्पेंड किया दोनों ही दिन। तो उसने अलग अलग बुक्स पढ़ी, उसने जो है वो एनिमल्स के ऊपर बुक्स भी पढ़ी, उसने माइथोलॉजिकल बुक्स भी पढ़ी, उसने स्पेस रिलेटेड बुक्स भी पढ़ी और उसने इस सेक्शन को बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। हैव अ लुक व्हाट ही फाउंड। क्यों वो इतना खुश है, क्योंकि उसको हनुमान जी की बुक मिल गई, वो हनुमान जी की बुक बैठ के पढ़ने वाला है। हनुमान जी बुक्स पढ़ने के बाद अब टाइम आया कुछ पेंटिंग का। फेस पेंट तो आशफ ने नहीं कराई, तो उसने क्या किया, उसने एक वुडन पीस पे जिराफ के पीस पे पेंट किया और अपने लिए जिराफ बनाया। इनिशियली ही सेड के मम्मा ये मेरे से नहीं हो रहा है, देन आई प्रॉम्प्टेड हिम, मैंने उसको बोला कि तुम करो, कोई बात नहीं, हो जाएगा। तो देन ही मेड अ वंडरफुल जिराफ और एंड में जो रिज़ल्ट आया वह बहुत अच्छा था। एक प्रॉपर जिराफ जो है वो बन गया था। देखो कितना सुंदर जिराफ बना है, इजंट इट। अब आशिफ किधर जाए, वो भक्ति न करे, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो उसने फाइनली एक पोट्री सेक्शन ढूंढ लिया, जिसमें उसने अंकल को बोला कि मुझे शिवलिंग बनाना है। तो अब वो शिवलिंग बना रहा है।
तो फाइनली अब शिवलिंग को शेप दी जा रही है। तो बनाने के बाद, ड्राई करने के बाद आर्शद ने वहीं पे पेंट करना स्टार्ट कर दिया। तो ये अब हमारी शिवलिंग ऑलमोस्ट रेडी है। इट इज़ दी वंडरफुल शिवलिंग और रोज़ आर्शद उसकी पूजा करता है। उसके बाद आर्शद ने इन्जॉय किया कॉमेडी शो, और उसके बाद सुपर हीरोज उसने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। कुकुड़ू फेस्टिवल का व्लॉग, आपको हमारा व्लॉग कैसे लगा ज़रूर बताइएगा। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। सी यू, बाय बाय।